पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है यहाँ पर। इंडियंस को आजकल आदत होगी एक ही कौन लगता है कि तो ज्यादा बेटर लगता। इसी प्रकार से ग्लेंजा में भी आपको नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हो ऑटोमोडल्स। आज एज प्रोमिस्ड आपके लिए हम लेकर आए हैं डेल्टा वेरियंट ऑफ द न्यू एज पलेनो। अब ये क्यों लाए हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो हमने किया था ग्लेंजा का एस वेरिएंट का, उसमें हमने आपसे वादा किया था कि इसको भी आपके सामने लेकर आएंगे और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि भाई ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो वो दिखाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं इस सुंदर सी गाड़ी का। वाइट कलर में हमारे सामने खड़ी है इसका डेल्टा वेरियंट और तुरंत से आपको दिखा देते हैं भाई इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। लुक्स तो शानदार हैं ही, लेकिन फीचर्स किस तरीके के हैं वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों शुरुआत करें चाबी से, तो यही बेचारी सी मारुति की चाबी आपको देखने को मिलेगी। सुजुकी की बैजिंग है और लॉक अनलॉक के फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फ्रंट प्रोफाइल बेहद ही इसका शानदार लग रहा है, वाइट कलर की है कार आपके सामने खड़ी है, लुक्स अच्छे हैं। अब इसका डिस्टिंग्विशिंग अलग फैक्टर है, ग्लेंजा का अलग फैक्टर है, आपकी पर्सनल चॉइस है, हमें तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पर क्रोम में और ऐसे ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर वेंट्स टाइप के डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। क्रोम का काम आपको अक्रॉस रन करते हुए यहाँ पर भी दिखेगा, ब्लैक कलर का यहाँ पर पूरा हिसाब किताब है और जिस तरीके से इसका ये इसका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा निकल के आता है, स्पेशली जब ये इस तरीके से कर्व आता है और कपल हो जाता है इसके साथ, जहाँ पर इसके फॉग लैम्प का केसिंग दिया हुआ है आपको। फॉग लैम्प इसमें नहीं मिलता लेकिन केसिंग ज़रूर मिल जाती है। ओवरऑल बहुत ही शानदार लुक है। अगर इसके हेडलैम्प्स की ओर चलें तो सिंगल प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाएगा हेलोजन में और आपको जो है इंडिकेटर लाइट भी मिल जाएगी हेलोजन में, टोटल हेलोजन का यूनिट है। तो ओवरऑल नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड कपल्ड विद द बॉडी डिज़ाइन ऑफ दिस न्यू एज बलेनो इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। इंजन कंपार्टमेंट दिखा देते हैं आपको साइड प्रोफाइल से पहले। काफ़ी आपको जो है क्राउडेड सा लग रहा होगा क्योंकि बस इंजन कवर आपको यहीं पर मिलता है, इंसुलेशन आपको अच्छी खासी मिल जाती है दोस्तों। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, नीचे कवर भी अब देने लग गए हैं। ये देखिए सिल्वर कलर का जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कवर है इस गाड़ी का, मतलब इंजन का। पहले ही इसमें नहीं मिलता रहा, ज़मीन दिखती थी इसके नीचे, लेकिन अब से ये प्रोवाइड करने लग गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल तो भैया मज़ा आ गया देखकर, 2520 mm का इसका व्हील बेस है। तो दोस्तों टायर देखें तो भैया स्टील रिम्स मिलते हैं आपको इसमें ब्लैक कलर के, उसके ऊपर ये आपको कवर मिल जाता है व्हील कवर। फाइल बता दूं 185/65R 15 इंच के इसमें व्हील्स हैं। अल्फा में आपको 16 इंच के मिलते हैं, इसमें आपको 15 इंच के मिलते हैं। देखो फेंडर के ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, फेंडर के ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, आपको इंडिकेटर जो है इसके ORVM से मिलेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है। अगर बात करूं रिक्वेस्ट सेंसर की तो रिक्वेस्ट सेंसर इसमें भी नहीं मिलता, नॉर्मली आप चाबी से अनलॉक करेंगे तब गाड़ी के अंदर आप ऐसे घुस पाएंगे। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, बेसिक एंटीना है इनके, अल्फा में भी जो है यही एंटीना है। तो दोस्तों रेयर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। रेयर प्रोफाइल मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर मैं ग्लेंजा से कंपेयर करूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेल लैम्प्स है ना, ये देखो तीन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्टिंग्विश, जैसे आपको DRL टाइप की फील इसमें आएगी। यहाँ पर ये खैर जलता नहीं है, पूरा आपको ये LED में दिख जाएगा। ये इसकी रिवर्स पार्क लाइट है, ये हेलोजन है, और जो इसका इंडिकेटर लाइट है ये भी हेलोजन है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे जो कि खाली रिफ्लेक्ट करेंगे, फंक्शनल नहीं है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात बैजिंग्स की, तो बैजिंग यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग आपको मिल जाएगी क्रोम में और यहाँ पर बलेनो की बैजिंग मिल जाएगी। ये कौन सा वेरियंट है उसकी बैजिंग आपको कोई नहीं मिलेगी इसमें। ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, वॉशर और रेयर वाइपर नहीं मिलेगा। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। दोस्तों स्पेस चेक कर लेते हैं। ये है मेरी परफेक्ट राइडिंग पोजीशन, मेरी हाइट 6 फीट है जैसा कि आपको पता है, और जिसको नहीं पता नई व्यूवर्स को बता रहा हूँ 6 फीट का बंदा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, हेडरूम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है हेडरूम में। तो यहाँ एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं सीट की इस प्रकार से रिक्लाइन करने की, हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलती। और अगर मैं बात करूँ कुशनिंग की सीट की तो अच्छी खासी है, साइड में भी अच्छा खासा फील हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आप पीछे चलते हैं। एज़ यू कैन सी गाइज 6 फीट का बंदा हूँ। अब लेग रूम देखो भाई कितना सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, हमको इतने इंडियंस को आजकल आदत होगी इतने अंडर थाई सपोर्ट में ट्रैवल करने की। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है, इतना मिल जाता है। दिक्कत है तो बस यार एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जब बात करूँ मैं स्पेस की, कम्फर्ट की, ठीक है। अब आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। इस प्रकार का आपको जो है 318 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कई लोग को लग रहा था भाई बूट स्पेस पहले से कम हो गया, लेकिन सेम है यार। आप आओ गाड़ी प्रैक्टिकली देखो, कोई आपको फ़र्क नहीं लगेगा। 60-40 स्प्लिट इसमें नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं बूट लैंप की तो बूट लैंप भी आपको इसमें नहीं देखने को मिलता, ये भी काफ़ी भारी हो चुका है।
तो गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, डोर थर्ड आपने सुन ही लिया होगा, पहले से तो बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। खैर क्रैश टेस्ट नंबर बाद में आएगा, वो अलग बात है। आपको सबसे पहले इसकी रिफाइनमेंट दिखाते हैं और फिर ले चलेंगे आपको फीचर्स की ओर। तो दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं रिफाइनमेंट किस तरीके की है। अभी क्लोज स्पेस में है इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है, अदरवाइज नॉर्मली अगर ये बाहर खड़ी होती ट्रैफिक में या बाहर हम स्टार्ट करते इसको तो इतनी जिसमें आवाज़ नहीं आती, रिफाइंड ये काफ़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका जो है डैशबोर्ड का एरिया देख लो, डैशबोर्ड वैसा ही सिमिलर आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, कोई भी सॉफ्ट टच पॉइंट नहीं और अच्छा खासा ये लंबा कर दिया है यहाँ पर। और आपको कुछ चीज़ें जो इसमें दिखेंगी यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको ग्लेंजा में एस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर में मिलता है, ये पूरा यहाँ पर आपको जो है ग्रे कलर में मिल जाता है, ग्रे फिनिश में। जो इसके एसी वेंट भी आपको दिखते हैं उसमें कोई क्रोम का काम नहीं है, सिंपल ब्लैक कलर के, और यहाँ पर थोड़ी कार्बन फाइबर में डिटेलिंग कर रखी है, उस तरीके के आपको एसी वेंट्स इसमें चार आगे देखने को मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों उसमें एक डिस्टिंग्विशिंग चीज़ ये है कि वो थोड़ी एयरी सी मुझे फील हुई, क्योंकि यहाँ पर उसका बेज था, यहाँ पर इसमें डार्क ब्लू है। अगर इनको थोड़ा डार्क इंटीरियर करना ही था तो यहाँ पर इसको ब्लैक ही दे सकते थे तो ज़्यादा बेटर लगता। खैर ये मेरा ओपिनियन है, आपका डिफर कर सकता है। और जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग चीज़ एक है, यहाँ पर आपको बड़ी सी स्क्रीन इसमें नहीं मिल रही, जो कि आपको जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलती है। इसमें आपको वही पुरानी मारुति की स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी जो दिक्कत की बात मैंने उस वीडियो में भी पॉइंट आउट की है आप लोग के सामने कि भाई ये जो केसिंग है ना ये अच्छी नहीं लग रही मुझे, मतलब इतनी सी स्क्रीन है और इतना बड़ा आपने वो दे दिया है, एक तरीके से यार बेजल की तरह ही लग रहा है, इतने मोटे मोटे फील हो रहे हैं। तो इसको अच्छे से इंटीग्रेट बेहतर तरीके से किया जा सकता था ताकि थोड़ा और एक रिफाइंड लुक आए इसका अंदर और ये इतना बड़ा सा मतलब अननेसेसरी पार्ट ना लगे। बाकी अच्छी चीज़ इसमें दिखाऊं तो आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये रहे इसके फंक्शंस। और बहुत सही मतलब इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में है और ऐसे सिल्वर कलर के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बटन्स, बहुत सही है। नीचे की तरफ आपको इधर की तरफ देखोगे दोस्तों तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा और इधर की तरफ देखोगे तो USB पॉइंट मिल जाएगा आपको, एक कवर दोनों में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाएगी आराम से, आपका इसमें 6.5 इंच का फ़ोन आ जाएगा और दो यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स ये रहा इसका और यहाँ पर जो है इसका हैंड ब्रेक है। अब अच्छी चीज़ मुझे एक और लग रही है इसमें कि ये देखो कार्बन फाइबर फिनिश में ब्लैक यहाँ पर दिया हुआ है तो काफ़ी थोड़ा एक अलग सा लुक इसमें निकल के आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसके जो IRVM है ये मैनुअली डिमिंग आप इसमें कर सकते हो, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर आपको दो इसमें हैलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, LED इसमें नहीं मिलेगा आपको। इधर की तरफ दोस्तों आपको एक नॉर्मल सा सनशेड मिल जाता है, कोई इसमें टिकट होल्डर नहीं मिलेगा ना ही कोई मिरर मिलेगा। और इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सा शीशा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका स्टेयरिंग व्हील। सबसे पहले तो बता दूँ मैनोवरेबिलिटी इसकी अच्छी है, हमने चेक करी थी, आप पिछली वीडियो में भी देखा होगा हमने जो टोयोटा का S मॉडल का बनाया था ग्लेंजा का। बाकी इसमें आपको जो है लेदर स्टिचिंग नहीं मिलती, कवर इसमें नहीं मिलेगा आपको, एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप लगा सकते हो। राइट हैंड साइड में कोई क्रूज फंक्शंस नहीं है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो वॉइस कमांड वगैरह के फीचर आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप देखें ऊपर तो इसके जो वाइपर्स हैं उसके कंट्रोल आपको मिल जाएंगे और राइट हैंड साइड पर जो है आपको मिल जाएंगे इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल। तो एडजस्टमेंट दोस्तों खाली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम जैसा कि हमने ग्लेंजा के S मॉडल में देखा था सेम वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में एक डिजिटल डिस्प्ले है जो कि आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, रेंज, फ्यूल और आपका जो है एवरेज, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको ये दिखा देगी गाड़ी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी फीचर्स ये आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, बहुत ही बेशकीमती फीचर मुझे ये लगता है। और ये मिल जाता है आपको इसका हेडलाइट लेवलर। नीचे की तरफ आप गौर फरमाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा बोनेट, अपना यहाँ से खोल सकते हो और यहाँ से जो है अपना फ्यूल लिट खोल सकते हो। इस गाड़ी में दोस्तों आपको जो है एक डेड पेडल भी मिलेगा जिसके ऊपर भी मेरा पैर है। अब डोर्स पे देखो, जैसा कि आपको S मॉडल में मिलता है इन टोयोटा ग्लेंजा, वहाँ पर आपको जो है इसमें पूरा बेज देखने को मिलता है ये, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लू कलर में किया हुआ है, सॉफ्ट टच पॉइंट भी ब्लू कलर का फैब्रिक है। यहाँ पर आपको कोई ट्विटर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, बस चार स्पीकर मिल जाते हैं डोर्स के ऊपर इस तरीके से। बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर या फाइल आप यहाँ रख सकते हो। और पावर विंडोज़ के कंट्रोल, चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है। यहाँ पर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का फीचर, ये आपका विंडो को अपने एक्सेस किसी को डिनाई करना है उसका फीचर, और ये अपने ORVMs को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं।
ये भी आपको जो है ब्लैक कलर का मिलता है, क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलता। अब चलते हैं दोस्तों पीछे के फीचर्स की ओर। दोस्तों रेयर में फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है यहाँ पर, सिवाय कुछ चीज़ों के, जैसे कि भाई ग्रैब हैंडल्स हैं और आपको जो है यहीं पे जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल जाता है अपनी विंडोज़ का। रेयर एसी इसमें नहीं मिलता, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार से ग्लैंजा में भी आपको नहीं मिलता रेयर एसी इसके एस मॉडल में। स्पेस दी गई है कुछ इसी प्रकार की और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका 12 वोल्ट का सॉकेट। बाकी हम्प की अगर मैं बात करूँ तो हम्प थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा इसको मिनिमल कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको इसमें कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीन बंदे इसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं क्योंकि लेग रूम भी अच्छा खासा है। एक ही कौन लगता है कि जो भाई इसका हेडरेस्ट है वो मुझे कौन लगता है, बाकी लाइट दिखा देता हूँ। हैलोजन में ही मिलती है, जैसा कि आप देख ही चुके हो हैलोजन में आपको लाइट मिल जाएगी। और ओवरऑल थोड़ा डार्क सा फील हो रहा है मुझे इंटीरियर, जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले भी। उसका अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो ग्लैंजा का एस मॉडल है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है व्हेन इट कम्स टू अंदर लाइटिंग आपको कैसी फील हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी लाइट लाइट फील होता है, ये थोड़ा डार्क है। तो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर बात आ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो के कंक्लूजन की ओर। तो दोस्तों ये था वीडियो न्यू एज बलेनो 2022 के डेल्टा वेरियंट का। अब अगर इसको कंपेयर करें हम ग्लैंजा के एस वेरियंट से तो मैं बोलूँगा कि दोनों ही वैल्यू फॉर मनी कार्स हैं। आप इसमें प्रेफरेंस आपकी बढ़ जाएगी कि आपको टोयोटा चाहिए कि आपको मारुति चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे तो जिन फैक्टर्स को मैं कंसीडर करूँगा इन दोनों में से, मैं कंसीडर करूँगा ग्लैंजा को। मैं क्यों करूँगा कंसीडर, क्योंकि उसकी जो अंदर की फील है वो काफ़ी लाइट इंटीरियर मुझे उसमें मिल रहा है, तो मैं पसंद करता हूँ लाइट इंटीरियर, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। अगर आप ये पसंद करते हो कि थोड़ा डार्क इंटीरियर हो, थोड़ा मारुति का भरोसा आपको अच्छा लगता हो, तो बिल्कुल आप बेशक इसकी तरफ जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ पर्सनली मैं जाऊंगा तो उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, जब लुक्स से भी बात करूँ और इंटीरियर की भी बात करूँ। अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइसिंग अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय दिख रही है, इसमें जो अवेलेबल कलर्स आपको मिलेंगे वो भी अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो भाई अगर आपको पसंद आती है ऐसी वीडियोस तो हमें ज़रूर यार सब्सक्राइब करो, मनोबल बढ़ाओ हमारा, मज़ा आता है काफ़ी। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में।